So good morning. All has joined. I think 19 students already joined. So my voice is clear. Yes, sir. Okay. Let's give 1 or 2 minutes if other get joined. Okay, so let's start. So last class में हम लोग transmission lines के बारे में discuss कर रहे थे और वो incomplete रह गया था, complete नहीं हुआ था. So let's complete today. अभी तक जो जो present है, I think तुम लोग सारा कोई अभी तक YouTube channel से material नहीं देख रहे हो, क्योंकि हमको व्यूज से पता चल रहा है कि कितना स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हो. तो फिर से हम वही चीज एक बार बोलना चाहेंगे कि जो जो क्लासेस हो रहा है सारा कुछ यूट्यूब में अपलोडेड है, तो जाके स्लाइड में यूट्यूब स्लाइड मतलब वीडियो जो है तुम लोग पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये इतना ईजी सब्जेक्ट है नहीं. ओके, सो अगर तुम लोग ऐसा सोचोगे कि सिर्फ वीडियो देखने से या फिर जूम क्लास मतलब ऑन है मोबाइल पे या लैपटॉप पे मेरा काम हो जाएगा, तो आई थिंक दैट विल नॉट गोना वर्क. ओके, सो यू मस्ट बी विद सम योर पेपर एंड पेन, कॉपी लेके बैठना होगा जब क्लास चलेगा, एंड कुछ कुछ नोट डाउन भी करना होगा जस्ट लाइक क्लास. ओके, क्लास में तो ऐसा नहीं होता कि तुम लोग बैठ के देखते हो सिर्फ बोर्ड वर्क जो भी होता है, तो कुछ पेन पेपर लेके भी बैठना पड़ेगा, कुछ लिखना भी पड़ेगा, अगर कुछ डाउट होगा कुछ क्वेश्चंस होगा पूछना भी पड़ेगा. सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो चल रहा है देखते से जैसा जस्ट लाइक मूवी, इट इज नॉट द मूवी. ओके, सो यह चीज है. और लास्ट क्लास में हम लोग का क्लास नहीं, हम लोग का कल एक मीटिंग हुआ था, सो उसमें भी ये बोला गया कि ये सिचुएशन कब तक ठीक होगा अभी वी डू नॉट नो. सो लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि तुम लोग का चलते जाएगा ये सेमिस्टर, जो भी है जो भी करेंट सेमेस्टर है वो चलता ही आएगा, नॉट लाइक दैट. सो यूनिवर्सिटी कैन टेक एनी डिसीजन. अगर ऐसा हो कि हम लोग का खुद को ही मतलब एग्जाम लेना पड़े या कुछ भी हो सकता है, नाउ द सिचुएशन इज हम लोग कोई भी प्रेडिक्ट कुछ भी नहीं कर पाएंगे. सो तुम लोग का क्लास रेगुलरली करना जरूरी है, क्योंकि अटेंडेंस विल बी द वेरी वेरी बिग इशू. सो अभी तक जैसा हम कल रिकॉर्डमेंट है तुम लोग के साथ हम अटेंडेंस शेयर करेंगे, जैसा जैसा क्लास होता जा रहा है सारा स्टूडेंट्स क्लास नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो 60% या 70% स्टूडेंट्स आर डूइंग क्लासेस. सो बाकी स्टूडेंट्स सफर कर सकते हो. ओके, क्योंकि ये जो मोड में क्लासिंग या टीचिंग चल रहा है ऑनलाइन मोड पे, तो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस या डेली एक्टिविटीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रखा गया है, ठीक है, नजर रखा गया है. तो
कोशिश करो कि सारा का सारा क्लासेस करने के लिए, और अगर कोई फ्रेंड्स है जो नहीं कर रहा है उसको भी बोलो क्लास करने के लिए, क्योंकि अटेंडेंस सच में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर एक क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, हर एक क्लास का अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रहा है। सो तुम लोग नहीं मतलब बोल सकते हो कि सर हम प्रेजेंट थे, और जो भी सारा तुम्हारा एक्टिविटीज जो है सामने रहेगा। गूगल क्लास में कुछ कुछ क्विज असाइनमेंट्स दिया जा रहा है, जैसा लास्ट डे आई हैव अपलोडेड अ क्विज, ओके 10 क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। सो लेकिन वो ओवरऑल सिलेबस के ऊपर से ही है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिला जुला इजी इजी जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के बारे में पूछा गया है। 10 एमसीक्यू क्वेश्चन है तो सॉल्व करोगे, डेडलाइन दिया हुआ है उससे पहले सबमिट करोगे, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन एक्टिविटीज है और जो भी क्लासेस एक्टिविटीज है इसमें तुम लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। सो इसमें यही सब प्रूफ करेगा कि यू आर इन टच विथ योर एकेडमिक्स, अदरवाइज ऐसा माना जाएगा कि तुम लोग मतलब टच में नहीं हो, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं जानते हो। सो बी वेरी वेरी केयरफुल और क्लासेस अटेंड करो सारा सारा सब्जेक्ट्स का जो भी चल रहा है क्लासेस, और नेक्स्ट वीक से लैब भी स्टार्ट हो जाएगा इस सब्जेक्ट का। तो आई होप कि तुम लोग सारा कोई करोगे उसको, और जो जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको फॉलो करोगे, ओके क्विज हो या फिर असाइनमेंट हो। आई थिंक टुमारो हम एक असाइनमेंट तुम लोगों को दे देंगे, माइक्रोवेव का फर्स्ट असाइनमेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस ऑलरेडी बना चुके हो, और तुम लोगों को हम बोले थे कि यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस का मतलब एक पैटर्न हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उसका फाइनल एक वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग अभी आज या फिर कल हम उसको गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे, ओके सो वो एक बहुत ही मतलब वाइटल डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि सारा सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है इन योर यूनिवर्सिटी, और उसमें सिर्फ तुम लोगों का यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन नहीं है, हम स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन देखे, लुक आफ्टर किए, उसके बाद उसको हम बनाए। तो वो आई थिंक तुम लोग प्रिंट करके रखोगे अपने पास या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लोगे तो अच्छा रहेगा, जैसा जैसा शॉर्ट नोट पूछा जाता है आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशियंट, ओके वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो, और उसमें भी काफी सारा क्वेश्चंस, आई थिंक 50-60 ब्रॉड क्वेश्चंस, तो टोटल सिलेबस उसमें कवर अप है, बाकी देखेंगे धीरे धीरे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन्स ट्रांसमिशन लाइव। Is my screen visible? Yes, sir. Okay. So, transmission line already जो discuss कर चुके थे वो और हम नहीं बोलेंगे। Just transmission line का basic जो definition है, transmission line is the device or एक path बोल सकते हो या फिर एक feeder बोल सकते हो, जिसके through एक electromagnetic wave और एक high frequency wave one point to another end पे जो बेसिक पैरामीटर्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम फिर से बोल रहा हूँ कि सिलेबस में जो है स्टाफ मैचिंग दिया हुआ है, सिंगल स्टाफ मैचिंग, डबल स्टाफ मैचिंग। सो स्टाफ मैचिंग क्या होता है बेसिकली, स्टाफ मैचिंग एक ट्रांसमिशन लाइन का स्टाफ मैचिंग हम लोग करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन क्या है वो अगर नहीं जानेंगे तो स्टाफ मैचिंग ठीक से समझ में नहीं आएगा, दैट इज वाई हम लोग को ट्रांसमिशन लाइन के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस दो वर्ड आता है, इम्पीडेंस यू नो कि रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस टुगेदर आर कॉल्ड एट इन ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस known as, and capacitance and conductance, that means C and G together are called as admittance, okay. So admittance and impedance both are jo basic parameters hota hai, that means RLGC jo term hai, RLGC se hi ye admittance and impedance ban raha hai,
और एडमिटेंस बेसिकली जो होता है 1 बाई लोड इम्पिटेंस। ओके याद रखोगे एडमिटेंस जो होता है y y = 1 बाई zl। सो आगे जाके हम लोग देखेंगे उसको, आज ही देखेंगे। और ये जो बेसिक पैरामीटर्स है, चार ही पैरामीटर्स होता है RLGC, तो उसके बारे में RLGC के बारे में तुम लोग जानते हैं ऑलरेडी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस। तो फिर भी जो बेसिक इन टर्म्स ऑफ मतलब ट्रांसमिशन लाइन का रेस्पेक्टिव में अगर बात करेंगे तो फिर क्या होगा, अगर हम लोग लेंथ लेके बात करेंगे दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है, लास्ट क्लास में भी हम बोल चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस है अगर लेंथ तुम ज्यादा ज्यादा इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, और डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगा। दैट मींस रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे देखो जो इक्वेशन यहाँ पे जो बन रहा है R = ρ L/A, ρ इज द रेजिस्टिविटी कांस्टेंट एंड L इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी जितना तुम बड़ा कर दोगे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बड़ा कर दोगे तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस घट जाएगा। ओके यही इसमें बोला गया है। सो स्लाइड हम धीरे धीरे रोल डाउन कर रहे हैं, तो ये रहेगा तुम्हारा यूट्यूब में ये अपलोड होगा, तो तुम लोग चाहोगे तो इसको नोट डाउन करके नोट कर लेना, उसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। सो स्किन इफेक्ट, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अकॉर्डिंग टू योर रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टिविटी। आई थिंक यू नो दिस कंसेप्ट। दैट मीन्स ये जो टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी, इसके साथ भी करंट का रिलेशन है। ओके हम लोग अभी तक क्या देखे इसके ऊपर में, जैसे R = ρ L/A, दैट मीन्स ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ हो गया, ट्रांसमिशन लाइन का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, बट उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो टेम्परेचर है, उसके साथ भी ये करंट फ्लोइंग का कुछ रिलेशंस है। ओके इसी को ही मतलब कैसे होता है, इसी के ऊपर डिपेंडेंट होके हम लोग स्किन इफेक्ट को डिफाइन करते। सपोज देखो यहाँ पे जो है टेम्परेचर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करेंट आर द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ लाइन। The resistance of a conductor varies linearly with the change in temperature. Whereas, if the frequency of the current increases, the current density towards the surface of the conductor also increases. Okay, that means अगर frequency को तुम ज़्यादा ज़्यादा increase कर दे रहे हो, तो फिर ये जो current है, वो surface area में, suppose एक round, एक hollow pipe जैसा अगर तुम लोग मानोगे, suppose एक hollow pipe है, okay, मतलब एक transmission line है। तो फ्रीक्वेंसी जितना तुम इंक्रीज कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी तुम जितना इंक्रीज कर रहे हो उतना क्या हो रहा है, करंट का जो पाथ है वो सरफेस एरिया के साइड से मतलब ज्यादा होने लग रहा है, ठीक है, कंपेयर टू सेंटर लाइन। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी अगर नॉर्मल है या फिर लो है, द करंट डेंसिटी टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द कंडक्टर इज द सेंटर, ठीक है, दैट मीन्स सेंटर के थ्रू उस केस में फ्लो होगा जब फ्रीक्वेंसी कम। लेकिन अगर तुम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दे रहे हो तो उस केस में एक नेचर होता है, ये बेसिकली जब तुम लोग का हॉल इफेक्ट हुआ था, आई डू नॉट नो हम तुम लोग का क्लास लिए थे या नहीं, तो उसमें ये बहुत इंटरेस्टिंगली डिस्कस हुआ था आई थिंक। तो करंट कैसे मतलब सरफेस के साइड्स में फ्लो होता है, इसका जो फिजिक्स है वो हॉल इफेक्ट में डिस्कस हम किए थे, तुम लोग अगर क्लास ले चुके हैं तो वो डेफिनेटली हम बोले। तो जो भी है, तो इतना अभी मानो कि जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर हाई कर देंगे तो करंट जो है सरफेस एरिया के साथ साथ मतलब सरफेस एरिया के साइड से ज्यादा फ्लो होने लगेगा। सो ये जो टर्म है इसी को मतलब स्किन इफेक्ट बोला जाता है। जो लास्ट जो है लिखा हुआ है देखो कि दिस मीन्स मोर द करंट फ्लो टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इट फ्लोस लेस टुवर्ड्स द सेंटर, व्हिच इज नोन एज द स्किन इफेक्ट। ओके दैट मीन्स More current will flow towards the surface. दोनों में एक साथ मतलब एक ना high concentrated, एक ना equal uniform form में, that means एक अगर तुम्हारा cross-sectional area है उसमें equal form में मतलब सारा जगह से एकदम same current flow हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। समटाइम्स सेंटर के थ्रू जी भी ज्यादा फ्लो हो सकता है, समटाइम्स स्किन मतलब जो सरफेस है, सरफेस को बेसिकली यहाँ पे स्किन से बोला जा रहा है, ओके स्किन, तो उसके थ्रू ज्यादा फ्लो हो रहा है। आई थिंक क्लियर हुआ है। और फिर से हम बोलना चाहेंगे ये जो तुम लोग का PDF है ये हम नेट से लिए है, सो ट्यूटोरियल पॉइंट्स का ये PDF है,
नेट पे फ्रीली अवेलेबल है, तुम लोग भी डाउनलोड कर सकते हो। सो आई हैव टेकन हेल्प फ्रॉम दिस साइट। सो इसका जो फुल क्रेडिट है तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ही जाता है, एज आई एम इन ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो इसीलिए क्रेडिट बोलना पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट इंडक्टेंस, दैट मींस एल, ये भी तुम लोग जानते हो। ये बेसिकली क्या है, देखो, इन एन एसी ट्रांसमिशन लाइन द करंट फ्लो साइनोसॉइडली, एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में करंट फ्लो होता है, एंड द करंट इंड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच आल्सो वेरीज साइनोसॉइडली। ओके, दैट मींस एक करंट जब फ्लो हो रहा है तो उसमें साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली वो भी प्रोग्रेस करता है। ओके, किसी जगह पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, किसी जगह में मैग्नेटिक फील्ड कम, किसी जगह में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो, किसी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो उसी के रेस्पेक्टिव में बाद में हम लोग देखेंगे कि पोलराइजेशन इफेक्ट। ओके, पोलराइजेशन कैसे होगा, तो ये इट्स के ऊपर बेस करके कि किस फॉर्म में मतलब ये वेरी हो रहा है। तो मेनली जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर में रहता है। देखो, ये जो वेव ट्रेवल कर रहा है, ये जो एक वेव ट्रेवल कर रहा है, इसमें जो मतलब वर्टिकली जो दिखाया गया है, ये वर्टिकली जो दिखाया गया है, इसके साथ ये मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री इसका अंतर रहता है, ये हमेशा मेंटेन रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे जो देखोगे इसमें पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो मैक्सिमम पीक है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी सेम पोजीशन पे मतलब सेम पॉइंट पे एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का भी वही सेम पोजीशन। बात समझ में आ रहा है? इसमें भी देखो ये जो पीछे जा रहा है, इसका भी उस पॉइंट में, दैट मीन्स ई का जो मैक्सिमम मैक्सिमम पोटेंशियल है एंड एम का जो मैक्सिमम पोटेंशियल, बोथ आर सेम इन द सेम पॉइंट। जहां पे जीरो है दोनों का जीरो है, जहां पे मैक्सिमम है वहां पे मैक्सिमम। तो ये जो जब हम लोग पोलराइजेशन देखेंगे तो उसमें यही सेम फंडा अप्लाई होगा। तो ये बेसिकली एक होता है सर्कुलर पोलराइजेशन, इसमें हम लोग का सर्कुलर पोलराइजेशन मिलेगा। दैट मीन्स जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वही पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स अगर एक पोलराइजेशन अगर देखोगे, पर्टिकुलर ये एक एक्सिस के पास, एक्चुअली माउस से ड्रॉ करना बड़ा, एक पर्टिकुलर एक्सिस पॉइंट पे अगर देखोगे तो उस पॉइंट पे ई एक्स अगर तुम मानोगे वो भी मैक्सिमम, और उसी पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है, एक जगह पे अगर ई अगर मानोगे, एक साइड को एम मानोगे, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोथ आर मैक्सिमम, तो उस केस में ये सर्कुलर पोलराइजेशन बनता है। और ये अगर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा तो उस केस में इलेप्टिकल हो जाएगा, लीनियर पोलराइजेशन हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेप हम लोगों को मिलता है। ओके, सो गोइंग टू द नेक्स्ट। सो इंडक्टेंस का जो यूनिट है हेनरी है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट था ओम था, मतलब था मतलब अभी भी है, मतलब स्लाइड हो चुका है इसीलिए था बोल रहा हूँ। सो रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इंडक्टेंस का यूनिट है हेनरी, एंड कंडक्टेंस, बेसिकली कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय जी एंड इट इज रिलेटेड विथ सम लीकेज करंट। ओके, सम लीकेज करंट, दैट मींस इट इज द ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस बोल सकते हो, काइंड ऑफ थिंग। सो देखो क्या लिखा हुआ है कि देयर विल बी अ लीकेज करंट बिटवीन द ट्रांसमिशन लाइन एंड द ग्राउंड। ओके, एंड आल्सो बिटवीन द फेस कंडक्टर्स, दैट मींस कंडक्टर के अंदर कुछ कुछ लीकेज करंट होता है। लीकेज करंट इज ड्यू टू व्हाट, यू नो दैट इट इज जस्ट ड्यू टू ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। ओके, माइनॉरिटी कैरियर्स के वजह से हम लोग का लीकेज करंट मिलता है। सो दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ रिकेल लीकेज करंट जनरली फ्लोस थ्रू द सरफेस ऑफ द इंसुलेटर, इनवर्स ऑफ दिस करंट इज टर्म्ड एज इज कंडक्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय जी।
फ्लो ऑफ लाइन करेंट इज एसोसिएटेड विथ इंडक्टेंस एंड द वोल्टेज डिफरेंट बिटवीन द टू पॉइंट इज एसोसिएटेड विथ द कैपेसिटेंस. इंडक्टेंस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस इज द एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये नोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे. इंडक्टेंस इज एसोसिएटेड विथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस इज एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. नेक्स्ट कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस भी जानते हो तुम लोग, इट इज अ काइंड ऑफ टू प्लेट्स. बेसिकली ये ट्यूब्स, इसमें दो पोलरिटी होता है, प्लस एंड माइनस, एंड बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स रहता है जो कि हम लोगों का कुछ चार्ज होल्ड करता है और बाद में उसको हम लोग रिस्टोर भी कुछ कर सकते हैं. सो इसमें जो बेसिक इसका डेफिनेशन हो गया कि द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द फेस कंडक्टर्स. ओके, फेस कंडक्टर्स, वोल्टेज डिफरेंस मतलब दोनों जो प्लेट उसमें कुछ पोलरिटी रहता है जो हम बोल रहे हैं प्लस एंड माइनस, तो इट गिव्स राइज एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कंडक्टर्स. ओके, so it gives the rise an electric field between the conductors. The two conductors are just like parallel plates and the air in between them becomes dielectric. This pattern gives rise to the capacitance effect between the conductors. So C का जो unit होता है यहाँ पे mention नहीं है. So what is the unit of C? Is farad. And conductance का unit भी यहाँ पे mention नहीं है. What is the unit of conductance? Anyone can tell? Conductance का unit क्या है? Are you there? Am I audible? देखो कंडक्टेंस का यूनिट सर साइमंस. हाँ राइट, कंडक्टेंस का यूनिट होता है साइमंस या फिर सीमेंस, उसको हम लोग बोल सकते हैं. तो लास्ट क्लास में तो हम बोले ऑलरेडी, सो सीमेंस. यस ओके. सो नाउ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इंपॉर्टेंट है. सो देखो सबसे पहले तो इसका जो प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी आता है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस. ओके, यहाँ पे स्लाइड पे तो लिखा हुआ है ही, बट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मीन्स कोई भी चीज का एक अपना एक फॉर्मेशन या फिर अपना एक प्रॉपर्टीज होता है. तुम चाहे एक कोएक्सियल लाइन ले लो, चाहे तुम एक कॉपर वायर ले लो, तो हर एक मतलब जो लाइन है या फिर मीडियम है उसका एक अपना एक क्या बोलेंगे अपना एक प्रॉपर्टीज रहता है. ठीक है, अपना एक नेचर रहता है. जैसा मान लो तुम लोग सब कोई अपना अपना, तुम लोग का हर एक का एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो एक दूसरे से अलग है. ठीक है, तो यही जो होता है ना, मतलब जस्ट हम एक एग्जाम्पल के दौर में बोलना चाह रहा हूँ कि हर एक जो लाइन है उसका एक अलग ही पैटर्न रहता है. ठीक है, तो तुम अगर मान लो गोल्ड का एक वायर लोगे, तो उस गोल्ड का वायर से तुम एक ट्रांसमिशन करना चाह रहे हो, मतलब नॉर्मल एक ट्रांसमिशन, और एक एल्यूमिनियम का वायर ले रहे हो, तो दोनों में कुछ अंतर होगा ना. बात समझ में आ रहा है? सो ये जो मतलब डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन हम लोग इस ट्रांसमिशन लाइन के केस में कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस नाम से ही जानेंगे हम. मतलब ये तुम लोग को समझाने के लिए बोल रहे हैं. तो अगर टेक्निकली इसको बोलोगे तो उसमें कैसे बोलोगे कि देखो उसमें ऊपर में लिखा हुआ है इफ ए यूनिफॉर्म लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन इज कंसिडर्ड. ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइटल है कि लॉसलेस कंडीशन इसमें डिनोट किया गया है. ओके, देयर आर सेवरल कंडीशंस. एक लॉसलेस हो सकता है, एक डिस्टॉर्टेड हो सकता है उस लाइन में, मतलब वो किस सिचुएशन में वो लोकेट कर रहा है. अगर टोटली लॉसलेस है दैट मीन्स उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा, मतलब जो पावर हम दे रहे हैं वो टोटली एंटायरली फ्लो होके सोर्स मतलब लोड के तरफ जा रहा है. दैट मीन्स द एंटायर पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स टू लोड.
ये मेरा हो गया लॉसलेस का डेफिनेशन। अगर कोई उसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर लोड अगर शॉर्ट सर्किट है, देखेंगे अभी देखेंगे, लोड अगर शॉर्ट सर्किट है तो उस केस में टोटल कुछ हम लोग का लॉस मिलेगा, तो उस केस में ये कंडीशन मतलब अलग हो सकता है। तो नॉर्मली जब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो ये लॉसलेस वर्ड जो है इसको ध्यान में रखें, लॉसलेस लाइंस को लेके हम लोग इसको कंसिडर करें। ओके, सो इन अ यूनिफॉर्म लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन इज व्हेन अ यूनिफॉर्म लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन इज कंसिडर्ड फॉर अ वेव ट्रैवलिंग इन अ वन डिरेक्शन द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वोल्टेज एंड करेंट अलोंग दैट लाइन व्हिच हैज नो रिफ्लेक्शंस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस। ओके, दैट मीन्स सिंपल भाषा में जब एक लॉसलेस लाइन में एक पावर सोर्स टू लोड तक बिना कोई रिफ्लेक्शन का फ्लो हो रहा है तो उसका उस केस में जो वोल्टेज एंड करंट का जो उसका रेशियो होता है वो भी मेरा कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस का डेफिनेशन। क्लियर? दैट मींस जेड नॉट से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, जेड जीरो या फिर जेड नॉट जो भी बोलो, जेड नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वोल्टेज वेव वैल्यू बाई करेंट वेव वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली अगर डिफाइन करेंगे तो जेड नॉट इज इक्वल्स टू आर प्लस जे ओमेगा एल बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। देखो यहाँ पे आर एल जी सी जो है दैट आर द बेसिक पैरामीटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। दैट मीन्स एक ट्रांसमिशन लाइन को कैरेक्टराइज करने के लिए ये चार पैरामीटर ही काफी है, आर रेजिस्टेंस, एल इंडक्टेंस, जी कंडक्टेंस, सी इज द कैपेसिटेंस। ओके, नाउ तुम लोग बोलोगे सर ये जे एंड ये सब कहाँ से है, दैट इज कंसिडर्ड इन अ कॉम्प्लेक्स डोमेन। ओके, दैट मीन्स एक होता है रेजिस्टिव पार्ट, मतलब जो एक नॉर्मल केस में हो सकता है, आइडियल केस में हम लोग का ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम लोग मतलब हर जो रियल फैक्टर है, हम अभी अभी स्मिथ चार्ट देखेंगे, तो जो रियल फैक्टर मतलब अगर ये सिचुएशन इज नॉट आइडियल केस, ओके, सो उस केस में रियल केस में तो उस केस में तुम्हारा ये जे एंड ओमेगा टर्म ये सब नहीं आएगा, लेकिन अगर ये तुम अगर कोई एक प्रैक्टिकल केस लेकर डील करोगे तो देयर मस्ट बी सम कॉम्प्लेक्स पार्ट। सो उस केस में हम लोग का आर प्लस जे ओमेगा एल बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोटेशन से याद रखना पड़ेगा। सो एग्जाम में समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मान लो ट्रांसमिशन लाइन दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला से मेनली मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर एल जे ओमेगा सब वैल्यू दिया हुआ रहेगा एंड तुम लोगों को जेड नॉट फाइंड आउट करने के लिए बोला दिया जाएगा, या फिर कोई जेड नॉट दिया हुआ है, बाकी कुछ कुछ इसमें आर का वैल्यू, जी का वैल्यू, एल सब दिया हुआ, मान लो कोई एक नहीं दिया हुआ रहेगा, सपोज एल नहीं दिया हुआ रहेगा, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो फॉर अ लॉसलेस लाइन आर जीरो, सो यही जो मतलब इक्वेशन है, इस इक्वेशन से ही तुम्हारा ये डिफाइन हो रहा है। ठीक है, हाउ, देखो ये लॉसलेस जो लॉसलेस लाइन के लिए ये जो इम्पीडेंस है, ओके, सो इम्पीडेंस में हम लोग मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस को आर जीरो से डिनोट कर रहे हैं और बाय अंडर रूट ऑफ लॉसलेस लाइन में क्या होगा, लॉसलेस लाइन का ये मीनिंग से ही समझ में आ जा रहा है कि इसमें कोई लॉस नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो रेजिस्टेंस, राइट। अगर नो रेजिस्टेंस है दैट मीन्स आर इज टोटली जीरो, तो रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो उस केस में कंडक्टेंस जी भी टर्म वैनिश हो जाता है, तो उस केस में मेरा हो जाएगा रूट ओवर एल बाई सी। ओके, इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट को हम लोग इग्नोर किए हैं। सो फॉर अ लॉसलेस दैट मीन्स सिंपल लॉसलेस लाइन में तुम्हारा कोई रेजिस्टेंस पार्ट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है तभी ना जाके लॉस नहीं हो रहा है कुछ भी, अगर समथिंग रेजिस्टेंस इज विल बी देयर देन देयर मस्ट बी सम लॉस। तो क्लियर हुआ ये जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है। सो नॉर्मली एक कोएक्सियल लाइन का जो इम्पिडेंस होता है ये तुम लोग का याद रखना चाहिए, समटाइम्स मतलब पूछा जाता है इंटरव्यू में या फिर कि कोएक्सियल लाइन का क्या होता है, या फिर नॉर्मल हम लोग जो लाइन मतलब घर में जो यूज करते हैं ना सारा जो वायर्स, तो क्या रहता है बेसिकली हम लोग का ये 50 ओम रहता है, इसका जो वैल्यू होता है 50-60 ओम इन इंडिया। ओके,
क्लास आई थिंक 5-7 मिनट बाद हो सकता है कट हो सकता है ड्यू टू टाइम। देन जब कट हो जाएगा उसके बाद 5 मिनट टाइम हमको चाहिए फॉर सेप, तो उसके बाद फिर उस लिंक पे ज्वाइन करो। ठीक है, आज होगा क्लास, तो लाइन कट होने के बाद हम ग्रुप में फिर से मेंशन कर देंगे, क्योंकि अभी डबल क्लास है, दो क्लास है माइक्रोवेव का। सो उसमें कट हो जाने के बाद हम ग्रुप में लिखेंगे। एक्चुअली सेव करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, हमको पता नहीं कि एक साथ सेव होता है या नहीं, सो इनकेस कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सेव करके फिर हम ग्रुप में मैसेज देंगे, फिर ज्वाइन हो जाओ। ओके, सो इम्पीडेंस मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग इज ऑल्सो यू नो द पर्पस ऑफ मेन थिंग दैट वाई वी डू इम्पीडेंस मैचिंग फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ओके, सो देयर आर टू कंडीशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोगों को ये जानना जरूरी है, तुम लोग इसको नोट डाउन करके रखोगे। एंड एक बार हम रीडिंग करना चाहते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ द सोर्स, दैट मीन्स जो लोड रेजिस्टेंस है उसको इक्वल होना पड़ेगा सोर्स के साथ। एंड द रिएक्टेंस ऑफ द लोड शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ द सोर्स बट द अपोजिट इन साइन। ठीक है, वो भी अभी जब हम स्टाफ मैचिंग डिस्कस करेंगे तो उसमें आइडिया और भी क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स जब जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो आउट ऑफ फेज होना पड़ता है। अगर वो रिफ्लेक्टेड वेव आउट ऑफ फेज होता है, दैट मीन्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, सो वो एक दूसरे को कैंसिल करता है आउट ऑफ फेज एंड सेम इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन वो अगर कंडीशन रहेगा तो उस केस में वो जो फॉरवर्ड वेव एंड जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसको एक दूसरे को कैंसिल करके वो उसको जीरो कर देता है। सो अभी जब उसको हम डायग्रामेटिकली समझाएंगे और भी क्लियर हो जाएगा। बाकी देखते हैं और क्या पैरामीटर्स है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स, तो ये सब जो टर्म है, ठीक है, ये सब जो टर्म है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, अभी देखोगे इसके बाद आएगा स्टैंडिंग वेव रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन माइक्रोवेव्स के रेस्पेक्ट में, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, व्हाट डू यू मीन बाय VSWR वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, एंड व्हाट आर द रिलेशंस इन बिटवीन देम। वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एंड इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पस में, लेबोरेटरी रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये टर्म्स नहीं जानोगे तो लैब में, क्योंकि बार बार ये सब वर्ड आएगा, हम लोग जब आगे आगे जब डिस्कस करेंगे ये सब वर्ड बहुत बार आएगा, सो यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स। सो एक बार देखते क्या है, बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव एंड द इंसिडेंट वोल्टेज वेव, that means VR by VE at the load terminal. Okay, so if the impedance between the device and the transmission line don't match with each other, then the energy gets reflected. The higher of the energy gets reflected, the greater will be the value of reflected coefficient. Simple, agar aasan bhasha mein agar tum logo ko bolenge, suppose ek load resistance hai, load resistance ZL, this is the source, okay, और मान लो इसमें हम transmission line को एक transmission मतलब एक matching unit को एक box के through दिखा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो load हो रहा है, हो गया, तो जब एक wave travel कर रहा है ना, जब एक wave travel कर रहा है through this matching unit, ये अगर प्रॉपरली यहाँ पे जेड नॉट है मेरा, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जेड नॉट है, दिस इज जेड एस सोर्स इम्पीडेंस, दैट मीन्स ये हो गया सोर्स इम्पीडेंस, ये हो गया इस ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस जेड नॉट, एंड दिस इज द लोड रेजिस्टेंस। तो वी नो द एज पर द कंडीशन पहले क्या लिखा हुआ था कि जेड एल इक्वल्स टू जेड एस, ओके, सो जेड एस बेसिकली जेड नॉट के इक्वली हम लोग को करना पड़ता है मैच करके, तो हम लोग यहाँ पे जेड एल इक्वल्स टू जेड नॉट ही लिख रहे हैं। That means when ZL equals to Z naught, क्या हो जाएगा मेरा लाइन completely इसमें से पावर फ्लो करेगा, that means impedance is matched. But when ZL is not matched with Z naught, उस केस में ZL और Z naught दोनों का impedance अलग अलग है,
तो क्या होगा उस केस में, ये जो कुछ पावर जो डिलीवर कर रहा है वो टोटल मतलब तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस के पास डिलीवर नहीं. सपोज यू हैव एन एंटेना इन दिस जेडल, तो इस एंटेना से पूरा पावर जो है डिलीवर या ट्रांसमिट नहीं करेगा, कुछ पावर वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक कर दे. तो जितना तुम्हारा मिसमैच होगा उतना ज्यादा तुम्हारा रिफ्लेक्शन होगा, और जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा ऑब्वियसली यू विल गेट द लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट वैल्यू. ओके, सो जितना ज्यादा तुम्हारा मिसमैच होगा उतना ज्यादा हम लोग का रिफ्लेक्शन होगा, जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन हम लोग का मिलेगा उतना ज्यादा हम लोग का रिफ्लेक्शन कोफिशियंट का वैल्यू होगा. देखो लास्ट लाइन जो लिखा हुआ है, द ग्रेटर विल बी द वैल्यू, द हायर द एनर्जी गेट्स रिफ्लेक्टेड द ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट. समझ में आया? ओके, सो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू एंड वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, क्या है एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन. ओके, सो VSWR, देखो VSWR अगर हम लोग का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अच्छा से समझ में आ गया है तभी जाके हम लोग VSWR को समझ पाएंगे. दिखाई दे रहा है ना, या फिर सुनाई दे रहा है, मतलब हम तुम लोगों का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. आई डू नॉट नो कि यस सर, तुम. दो सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है सर। ओके ओके फाइन. और अभी जो हम ये VSWR मेंशन करेंगे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको ठीक से समझने का कोशिश करोगे. ओके, सो आई थिंक वीडियो कट होगा, 2 मिनट अभी बचा हुआ है. सो फ्रेश लेसन्स के ही हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. तुम लोग अटेंडेंस सबको आई थिंक चैट बॉक्स में दे दिए हो, तो हम चैट बॉक्स सेव कर लेते हैं. और कमल इफ यू आर देयर प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ द अटेंडेंस ऑल्सो, ताकि मेरे पास एक रिकॉर्ड रह जाए. चैट सेव कैसे होता है, चैट सेव कैसे होगा अभिषेक? ऑप्शन का है सेव का, सेव चैट. ओके, हम चैट चैट सेव कर चुके हैं. सो लेसन हम कट कर रहे हैं. सो 5 मिनट बाद फिर तुम लोग ज्वाइन करोगे. ओके, हम ग्रुप में बोल देंगे 5 मिनट बाद. जस्ट नीड्स 2 और 1 to 2 मिनट्स फॉर सेव, एंड प्लीज बी अटेंटिव एंड ज्वाइन करोगे, क्योंकि VSWR बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम कुछ डायग्राम के साथ तुम लोग का समझाएंगे, उसके बाद स्टाफ मैचिंग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ओके, सो आई एम कटिंग द लेसन.